हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी क्लास 12th डीके गोयल की अकाउंटेंसी की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे, राइट्स ऑफ द पार्टनर्स, कि पार्टनर्स के क्या क्या राइट होते हैं एक बिजनेस में। ठीक है, तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस विथ अदर पार्टनर्स इन द एग्रीड रेशियो। ठीक है, हर पार्टनर का ये राइट होता है कि वो क्या करे, वो प्रॉफिट या लॉस जो भी बिजनेस में हो रहा हो वो दूसरे पार्टनर्स के साथ शेयर करे, जिस रेशियो में, एग्रीड रेशियो का मतलब है जिस रेशियो में उनका एग्रीमेंट हुआ हो। ठीक है, जिस रेशियो में उन्होंने बात किया हो पहले। ठीक है, उनका ये राइट होता है कि वो दूसरे के साथ उस शेयर में अपने प्रॉफिट या लॉस को शेयर करें। नेक्स्ट है, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। और हर पार्टनर का ये राइट होता है कि वो बिजनेस के हर कंडक्ट में, मतलब बिजनेस में जो भी काम हो रहा हो उन सारे काम में वो क्या करे, पार्ट ले। ठीक है, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू द कंसल्टेड इन द मैटर्स रिलेटेड टू पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, हर पार्टनर का ये राइट होता है कि अगर पार्टनरशिप बिजनेस में कोई भी मैटर पे डिसीजन लिया जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या किया जाए, हर पार्टनर से डिस्कस किया जाए, उनसे कंसल्ट किया जाए। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू बी इंस्पेक्ट एंड हैव अ कॉपी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, हर पार्टनर्स के पास ये राइट होता है कि वो क्या कर सकता है, कोई भी बुक ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, मतलब देख सकता है, कभी भी उसको जांच कर सकता है उसकी, और उसके पास बुक्स ऑफ अकाउंट, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट वहाँ पे मैनेज किए जाते हैं, उसकी एक एक कॉपी हर पार्टनर्स के पास होती है। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ठीक है, हर पार्टनर के पास ये राइट होता है कि अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है बिजनेस में तो वो क्या कर सकता है, वो अब डिसअलाउ कर सकता है, वो मना कर सकता है, नहीं ये पार्टनर नहीं आएगा हमारे बिजनेस में। ठीक है, फिर एवरी पार्टनर इज अ ज्वाइंट ओनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। ठीक है, हर पार्टनर इक्वली क्या होता है, उस प्रॉपर्टी का, जो भी प्रॉपर्टी है वहां पे, उस प्रॉपर्टी का क्या होता है, इक्वली ओनर होता है। ठीक है, इफ अ पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म, ही हैज द राइट टू रिसीव इंटरेस्ट एट एग्रीड रेट। ठीक है, अगर किसी भी पार्टनर ने किसी भी फर्म को क्या किया है, लोन दिया है, अपने पर्सनल पैसे दिए हैं, तो उसको क्या है, ये राइट है कि उसके एग्रीड रेट पे, जिस रेट पे उसने इंटरेस्ट दिया हो, उस रेट पे उसको क्या हो, इंटरेस्ट मिले। लोन दिया हो जिस रेट पे, उस पे उसको इंटरेस्ट मिले। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एग्रीड, यहाँ पे एग्रीड होगा, इट इज पेड 6% पर एनम। और कभी कभी ऐसा होता है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो मेंशन नहीं होता है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में 6% एनुअली, ठीक है, 6% पर एनम के हिसाब से उसको इंटरेस्ट दिया जाता है। इफ अ पार्टनर इनकर्स एक्सपेंसेस और मेक्स पेमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म, ही हैज अ राइट टू बी इंडेम्निफाइड बाय द फर्म। ठीक है, अगर किसी भी पार्टनर ने कोई भी एक्सपेंस फर्म की तरफ से कोई भी खर्च किया है या किसी को फर्म के बिहाफ पे पैसा दिया है, तो उसका ये पूरा हक है कि वो क्या करे, फर्म से वो पैसा अपना मांग सके, वापस ले सके। फिर है, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म आफ्टर अ गिविंग प्रॉपर नोटिस। हर पार्टनर का ये राइट होता है, उसके पास ये अधिकार होता है कि अगर वो जब चाहता है तब वो क्या कर सकता है, फर्म से रिटायर ले सकता है, लेकिन मतलब एक प्रॉपर नोटिस देने के बाद। तो ये कुछ राइट्स थे, आई होप आपको ये राइट समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।